मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मेरी वो दोस्त है जिसने मुझे जब मैं कुछ भी नहीं था और शुरू कर रहा था, इसने मेरा इतना साथ दिया। हम इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे हमने चीजें सीखी। वो उस इंडस्ट्री में भी तब आई जब हम लोग सारे इकट्ठे मिलकर काम करते हुआ करते थे। कोई ऐसा शूट हो या लेट नाइट शो हो रहा हो या हम लोग फैशन शो कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मुझे पता था कि मैं एक फोन करना है एंड ये मेरी दोस्त आ जाएगी और मदद करेगी। और जितनी मेहनत के साथ इसने अपने शूट्स पे काम किया हुआ है, अपने अपने ना सिर्फ शूट्स पे, आप सोचें कि जितनी इसने अपने करियर पे, अपने दोस्तों पे मेहनत लगाई हुई है, जितना ये इतनी हार्ड वर्किंग है, इवन दो माशाल्लाह से शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, उसको एक शी उसने बहुत ब्रेवली अपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि MS उनको है उसके बारे में उन्होंने इतना डिस्कस किया हुआ है। मैं बहुत दाद देता हूँ इमान अली को। इमान अली इज अ सुपर पावर इन माई पावर्स, बट मेरे लिए वो मेरी ईमान है। मैं उनको प्यार से ईमान जी कहता हूँ। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अभी मैं उनको बुलाऊंगा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मेरी ईमान से, जिसको मैं जानता हूँ। बहुत से लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि वो शायद बहुत मुंह फट है, मगर ईमान इज नथिंग बट जस्ट ईमान, शी इज हू शी इज। एंड आई डोंट थिंक हमें ऐसा ही करा उसको कभी, वी रियली गॉट एन अपॉर्चुनिटी नो हर एंड आई होप दैट आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले, हम उससे बातें करें एंड आप मेरी उस दोस्त से मिलें जिसका मैं इतना हमेशा शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे इतने अच्छे जो दोस्त हैं वो लोग वो मेरी नजरों से देखें। सो आई एम गोइंग टू सी इफ शी इज ऑन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इशमल आप कैसे हैं? हेलो फ्रॉम लंदन, हेलो फ्रॉम लाहौर, क्या हाल आप सबका? गुड टू सी यू। व्हाट अ ग्रेट टर्न आउट यू गाइस हैव ऑल कम फॉर ऑफ कोर्स फॉर वन ऑफ माय फेवरेट्स इन दिस इंडस्ट्री एंड वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स ईमान अली। सो अल्लाह करे कि अभी वो मुझे मिल जाए। हेलो शेरो। हेलो ईमान। मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। तुम्हें याद है ईमान, तुम मेरे टॉक शो पे आई थी और तुम एक वाहिद इंसान हो जो आई, उसने पांव सोफे के ऊपर रखे, चौंकड़ी मारी। लाइफ शुड बी इजीियर, राइट? मैंने अभी चौंकड़ी मारी भी है। मुझे पता है, मुझे यकीन था जब मैंने तुम्हें कहा था। मैं आप सबको बताता चलूं गाइस, फर्स्टली थैंक यू सो मच आप सब ज्वाइन कर रहे हो। आई नो कि आप लोग बहुत ईमान, यू हैव लॉट ऑफ फैंस, हां, पीपल लव यू अ लॉट, तो सब कह रहे हैं गाइस टू देम, आई लव यू टू एवरीवन। सो मैं यही कहना क्या चाहूंगा कि ईमान सबसे पहले इतनी ज्यादा वो बहुत प्राइवेट सी है, वो अपने शी स्टेज इन हर ओन सर्कल इन हर ओन लाइफ। और थैंक यू ईमान कि तुम हमारे पास आई इस मुश्किल वक्त में, हम सारे के साथ तुम अपनी रोशनी शेयर कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। मगर नहीं, और तुम सबके साथ अपनी रोशनी शेयर कर रहे हो, व्हाट अबाउट दैट? दैट्स कमेंडेबल, यू आर स्वीट। अच्छा, अपनी दफा वो छोड़ दो, हां ईमान, बैरिस हो गया, शर्म आ गई। सब कह रहे हाय क्यूट ईमान, हाउ आर यू ईमान? शुरू से हेलो शुरू से बात करते हैं। सुपर मॉडल, हाँ, ये एक टाइटल है जो हर आजकल बहुत से लोग नीचे हैशटैग लगा देते हैं, सुपर मॉडल। हर कोई दो दिन में। हाँ, बहुत से लोग मगर इस वक्त तुम्हारे पर एक फायर सी आई हुई है कि तुमने कुछ मॉडल्स के बारे में कुछ कहा है, और मैंने देखा है एक मुश्क है जो आपके हालांकि उनको मैं जानती भी नहीं हूँ। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट हर, I was just, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली इस तरह जबरदस्ती बोले जा रहे, बताओ ना ईमान, बताओ ना, तो अब ईमान अली क्यों नहीं बनती, बताओ ना ईमान, बताओ। तो मैंने कुछ तो बोलना था, मतलब 50 मिनट से मैं बोल रही हूँ। It was a very long interview and I was not feeling well. I had cancelled 3 shows before that, और मुझे कहा गया आप नहीं कैंसिल कर सकती। सो मैं बहुत मुश्किलों से, मुझे MS का रिलैप्स चल रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को थकान की हालत में लेके गई उधर। एंड देन यू नो आफ्टर 50 मिनट्स ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू यू आर लाइक ओके अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, ऐसे है शायद। हाउ विल आई नो कि अब क्यों नहीं सुपर मॉडल्स बन रही? दैट्स आई कांट डिसाइड दैट, राइट? आई शुड नॉट इवन बी आस्क्ड दैट क्वेश्चन, बट आई वाज रिपीटेडली आस्क्ड दैट सेम क्वेश्चन कि बताओ ना,
बताओ ना बताओ ना बताओ ना. सो मैंने बता दिया, मैंने कहा आई गेस मे बी दैट्स द रीजन. आई मीन यू नो देयर इज लाइक अ बिट ऑफ अ लैक ऑफ यू नो व्हाटएवर डिफरेंट काइंड्स हैं शायद, बट आई डोंट नो एनीवन रियली दैट वेल फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री राइट नाउ. हां देखो एट द एंड ऑफ द डे मुश ने शी फेल्ट अ सर्टेन वे. तुमने अब तुम बेसिकली मुश को जानती नहीं हो इतनी अच्छी तरीके से. यू डिडंट मीन इट टुवर्ड्स हर, ये का सच है. फ्रिया ने भी लिखा. आई डोंट नो, फ्रिया ने भी लिखा. फ्रिया को तो तुम जानती हो. जब फ्रिया ने लिखा, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं कहा. नो, फ्रिया इज बीइंग अ लिटिल अनरीजनेबल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ शी हैड एन इश्यू शी कुड हैव कॉल्ड मी इंस्टेड ऑफ गोइंग. दैट्स जस्ट यू नो प्लेइंग डर्टी. And I don't interact with people who start to play dirty. Also, you know, even if I said something about my other actors, एक तो वो तुम्हें पता है कॉमेडी वो होता है ना कि अच्छा अगर ये एक्टर ना होते तो क्या होता है. That's supposed to be all, you know, comedy वाला. It's supposed to be funny. कि हाँ जी अच्छा एक्टर ना होते तो ये होते वो होते. एंड इट शुड नॉट बी लाइक हर चीज के बारे में हम सीरियस हो के क्यों बैठ जाएं यार शेरू हर वक्त. आई मीन कभी हमने इंजॉय भी करने होते हैं, कभी फनी बातें भी करनी होती है. इसको तो कोई इससे एंजॉयज नहीं लिया, ये तो बात बहुत ज्यादा फैली, स्पेशली मायरा खान के बारे में. अब मायरा खान के बारे में अपेरेंटली मैंने क्योंकि इंटरव्यू देखा नहीं तो मैं तुमसे पूछूंगा. तो देख लो ना यार, क्योंकि उन्होंने कहा, इफ्फत ने कहा कि इफ दे वेंट एक्टर्स तो वो क्या होते, अगर ये एक्टर्स ना होते तो क्या होते. मैंने कहा शी कुड हैव रिमेंड अ वीजे, शी वाज गुड एट इट. दैट्स व्हाट आई सेड. सो ऑब्वियसली कैन यू बिलीव दैट? और दैट मींस आई नो तो लोगों ने प्रेस कर दिया कि तुम ये कह रही हो, यानी कि उन्होंने ये भी पूछा कि फवाद क्या करता. तो ये इस तरह पूछा था तो सबके बारे में पूछा. हाँ, कि अगर वो एक्टर ना होते तो क्या होते. अब फवाद एंड आई डिड अ फिल्म, हमारा डेब्यू इकट्ठा हुआ. ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. फ्रेंड्स के बारे में आप शुगल में बातें करते हो और वो पूरा सेगमेंट ही शुगल वाला था. व्हाई शुड इट बी टेकन सीरियसली व्हेन इट्स मेंट टू बी अ फनी सेगमेंट? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई गेस दे जस्ट हाँ, कौन सुन रहा है? आई होप सब सुन रहे हैं. आई होप आप सब जो सुन रहे हैं आप जाके भी सबको बता दें कि एक मजाक था पूरा का पूरा. बट आई नो चाइनीज विस्पर्स, यस, गेट नहीं, बट और मैं समबडी हैज सेड दैट. हाँ नहीं, पता क्या मैं बताऊंगा, एक चीज है. देखो मैं भी शो करता था एंड आई नो कि इफ्फत की कोई बुरी इंटेंशन नहीं है. इफ्फत इज अ ग्रेट गर्ल. बट हम टेलीविजन के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर आप क्या पिक करेंगे, आयशा उमर या आयशा खान. अब ऑब्वियसली जवाब तो दोनों सही है, मगर हम लोग कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं. वो तुम्हारे आंसर जो है मुझे लगता है बहुत ही आउट ऑफ जो कॉन्टेक्स्ट और ट्विस्ट हुए हैं. कॉन्टेक्स्ट हाँ, क्योंकि द क्वेश्चन वाज इफ दे वांट एक्टर्स व्हाट शुड दे हैव बीन. आई वाज लाइक शी कुड हैव रिमेंड अ वीजे, शी वाज एक्चुअली गुड एट इट. मैं उसको तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया. That she had another job, she was good at it. She could have just remained a VJ if she was, if she hadn't become an actor. That's what it was. Hello. बल्कि जो मैंने उसका हुमायूं को कहा था, that was funnier because he's just done you know वो वाली फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी. तो उसके अंदर उसका डेयरी फार्म होता है, तो मैंने कहा दूध दही बेचने की दुकान उसकी होती. That was actually funnier. और what I said about Fawad कि you know he used to tell terrible jokes on the set of खुदा के लिए. So I said he would have been a failed comedian, a stand-up comedian, and that's also quite obviously a bloody joke, yaar. And they're my friends. I can say things about. Jin stars ke baare mein ye baat hui, kya did they reach out to you? Did Myra ne? Nothing. They're not even upset about it. No, they're not even upset about it. It's the others who are trying to create a, you know, hum logo ke beech mein phadda karane ke chakkar mein. I don't know why, but unme se to kisi ne kuch bhi nahi kaha. चलो ठीक है, ये अब वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो गया है कि आप प्लीज सुन लें. मैं बहुत जरूरी इसे पूछना चाह रहा था, बिकॉज देखो मैं तो साफ साफ मैं भी कंसर्न था. मैंने कहा था ईमान को ये क्या हुआ कि ऐसे बातें कह गई हैं, और मैं वही उसी चीज का शिकार हूं. तो सही वो इंटरव्यू, यही तो मैं कह रहा हूँ. हाँ, मैं भी उसी चीज का शिकार हूँ, बेवकूफी का, कि हम लोगों ने ना इंटरव्यू देखा और हमने चीजें पढ़ के हमने एक अपना बना लिया कि बस यही उसने कहा होगा और बस ईमान को कह दिया. हाँ, नीचे लिखा हुआ है एज यूजुअल इज द गॉसिपी प्रेस. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. वेट, लिसन, फैंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? दैट दे दोज आर द पीपल दैट वी वर्क फॉर एट द एंड ऑफ द डे, नॉट द पीपल हु लाइक राइटिंग ऑल दीज गॉसिप्स. इट्स द पीपल हु कम एंड वॉच आवर काम एंड एवरीथिंग और अप्रिशिएट इट और इवन हैव व्हाटएवर criticism for it, but it's them that we work for. So of course I'll read what they have to done, what they have to say. Well done in Mahe Mir,
थैंक यू. मजे की बात है, मैंने भी माया भी पूरी नहीं देखी थी. आई डिडंट गेट अ चांस बिकॉज आई डोंट सॉरी आई शुड नॉट हैव सेड दैट. लिसन, लिसन, माय प्रॉब्लम इज दैट आई कांट लुक एट माय सेल्फ फॉर लॉन्ग. एडवर्टाइजिंग माय मीन कैसे थे यार, मानो खुद ही पूरे रीमेक है यार. नहीं यार, बता क्या, आई कॉन्ट लुक एट माई सेल्फ फॉर लॉन्ग. आई कॉन्ट लुक, इसीलिए मैं अपनी सेल्फीज भी नहीं लगा के लगाती. इसलिए मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कम है, बिकॉज मैं जो हर वक्त सेल्फीज लगा सकते हैं उनको, बट टू बी एबल टू टेक अ सेल्फी आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ एंड आई डोंट रियली, यू नो आई डोंट लाइक टू लुक एट माई सेल्फ. आई डोंट, आई एम नॉट अ फैन ऑफ द वे दैट आई लुक. तुम्हारे पिछले शो में भी यही बात की थी मैंने. I'm not lying. It is the true story. It is true story. तो ये एक सिचुएशन है जो आई थिंक हमें, ये कपड़े ठीक है ना वैसे शेरू, आई होप आई डिडंट डिसअपॉइंट यू बाय वेयरिंग यू नो नाइट सूट. तो मेरी बात सुनो, मैं तो हैरान परेशान हूं. इट सेज क्वीन, इट सेज क्वीन. Hashtag letting you know. Hashtag letting you know it says queen. Yeah. Just in case you had some. Just in case, yes. Just in case you would thought those, yeah, all those mean things people are saying are true. No, queen. since I don't feel it, I have to like write it on my night suit. Nice dress, Iman, someone said. You look gorgeous like always. Badi tarjeeh ho rahi hai. Please leave your hair alone. Ko keh raha hai, bhai. I can't. It's my normal thing. I comes always like this. Ha. Acha. Iman, ek aur cheez. Ek aur cheez ke upar jo tumhe main. You're the queen of rap. Yeah. Oh. Yeah. That you are. Acha, main queen of rap ke baare mein bata do. Chalo, usse pehle hum aage jaye. इमान इज दी ओनली मॉडल, मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन किया, इमान एक वाहिद मॉडल है जो महीनों महीने हर रोज घंटों घंटों के लिए आया करती थी मेरे घर और वो प्रैक्टिस करती थी शीशे के आगे. मैं उसको वॉक करा करा के ड्रिल सार्जेंट की तरह मैं उसको सिखाता था. घंटों घंटों नॉन स्टॉप वॉक करती थी मैं. हाँ, और मैं कभी जाके कहता मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वापस आ जाता तब भी कर रही होती थी, शेरू आप कैसा, नहीं मान इस तरह हो गया. किसी ने अपने वॉक पे, किसी ने अपने तुम शूज पे, मुझे याद है इमान, मैं एक तस्वीर खींचते थे, इमान कहती थी नहीं और फिर से जो मॉडल्स भाग रहे होते हैं कि शूट खत्म करें, इमान कहती थी नो और भी बेहतर हो सकता है. एक और आतिश शहजाद भी ऐसे है, आतिश शहजाद भी ऐसे है कि वो कहते नहीं और 15 और 20 और जब तक परफेक्ट शॉट ना आए. वो वाला माहौल रहा है. आतिश शहजाद भी मुझसे तंग हो जाते थे कि बस इमान हो गया ठीक, बस कर दो इनफ. मतलब मैंने उनको भी तंग कर दिया. आई वॉज जस्ट टू डेडिकेटेड. आई लव माई वर्क एंड आई लव माई वर्क स्टिल. आई मीन इट्स बट लाइक जिस तरह योर फर्स्ट शो आई रिमेम्बर, हमारी सेलिब्रेशन क्या थी, वी एट फ्रेंच फ्राइज एंड केचप. पैसे नहीं थे मान और क्या थे हमारे पास, हम गरीब सब लोग निकल गए. मैं और ये होटल में बैठे हुए, क्योंकि वो दिन कराची एंड हिम एंड आई वाज द ओनली वन देयर फ्रॉम लाहौर एंड दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड गाइस. बाय द वे आई मस्ट टेल यू दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड. वी हैड फ्रेंच फ्राइज एंड केचप. एंड ये इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि पता नहीं कितने पार्टी एनिमल्स पागल होंगे, मगर हमारी पार्टी हमेशा यही रही है खाना. खाना जब हमने बाहर भी कभी शोज किए हैं तो इमान तुम और मैं सबसे पहले होते हैं जो रूम सर्विस का मेन्यू देख रहे होते हैं, फिर बैठ के हम लोग देसी खाना है, मलगटवानी सूप को चावल खा लेंगे. ऑल ऑफ दिस वी बीन वेरी देसी. जिससे मेरा नेक्स्ट सवाल है, नहीं हम जो भी खाएं बस खाना होना चाहिए. अब मेरी खैर काफी एक्सपेंड कर गई जिंदगी, इट्स ऑल अबाउट खाना, बट यस आई डू लाइक टू ट्रैवल ओनली फॉर फूड नाउ. मुझे ना ये बैक की लाइट इरिटेट कर रही है, मेरे सर पे आ रही है, इसको निकाल दूं, है ना? नहीं रहने दो. अब बाबा मुझे तो बुरी नहीं लग रही. बाबा तुम्हारा वंडरफुल मियां. हाँ, कौन हुआ अभी मंदिर जाके हमने लिए चौक की डेट भी उठा के लाऊंगी हमने खाने के. बाबा आप कैसे हो, शेरू पूछ रहा है. शेरू तुम्हें शेरू बाबा कैसे हो मेरी जान. बाबा सबका जब तक वो बाबा को शेरू पूछ रहा है कैसे हो मेरी जान. नहीं वो नीचे से घुस के आ रहा है, देखो चुपके आ रहा है. बाबा चुपके क्यों आ रहे हो, कल
कल मुनीब से बात करी और ये बीच में आके ना कह रहे अच्छा ऐसे रख लो वैसे रख लो सब कुछ हो गया रात को फिर उसको पता चला मैंने कहा हाँ बीच में आ रहे थे कहते व्हाट आई वाज लाइव और यस व्हाई डिडंट यू टेल मी आई वाज लाइक बिकॉज़ आई वाज लाइव और मैं उससे क्या करती कि बाबा ओ बाय द वे आई एम नहीं इस वजह से नहीं बुलाया था आपसे हेलो कर रहा है ये वाली लाइट ऑफ करनी है जो मेरे साथ चली बाबा कहाँ भाग रहे हो लोगों को अच्छी लग रही है लाइट छोड़ दो लोगों को अच्छी लग रही है क्या सनमाना क्या हो गया बाबा आपका हम रिश्ता नहीं कराने लगे बाबर भट्टी तो मेरे पुराने दोस्त हो मैं तुम्हें 20 साल से जानता हूँ शक्ल दिखाओ उसको लोगों से है ना कि लोग देख रहे हैं इतना मैंने उसको शर्माते हुए जिंदगी में नहीं देखा इतना शर्मा पता नहीं क्या होगा हाँ. कभी इतना शर्मिला टैगोर नहीं था वो तुम्हारे से शादी करके वो शर्मिला टैगोर बन चुका है कोई भी हाँ. सिर्फ शर्मिला टैगोर भी खत्म हो गया अब शर्मिला ही शर्मिला रह गया ऐसे चुप चुप के गया ऐसे करके जा रहे गंजू आ गया ओ सॉरी 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 ये लो बाबर हेलो Yeah, exactly. It's been quite a while since then. It's been, what, 2.5 months? Yeah. Well, the weather over here is so amazing these days. All we can do is basically work out. And, I'm definitely enjoying it. I hope you're staying fit as well, apart from social distancing. I am, man. I'm trying my best to stay very fit. But so you can get some motivation from my videos then. Good to see you as well. You guys continue your conversation. I'm watching you. On my phone. Please do. Bye, Baba. अच्छा this ये जो तू है ना अभी ये कभी ज़िंदगी में कभी हो नहीं सकता कि बाहर बैठी आ जाए उसके कैमरे पे good अच्छा लग रहा है good too यार माशाल्लाह लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं everyone is saying hi अच्छा मेरे पास बंद हो गए आने वो messages मैं तुम्हें साथ साथ पढ़ रहा हूँ वो हो गया freeze हो गया है आ जाएगा वापस थोड़ा सा इसके ऊपर हार्ट पे आ जाएगा वापस हार्ट पे उठ रहा है शुगर हार्ट पे रुक गया कुछ नहीं वैसे किसी ने गंदी बातें कोई नहीं की अभी नहीं क्यों करेंगे अभी तो लोग बहुत अच्छा और प्यार दे रहे हैं खुश हैं हाँ क्लियर हो गई ना बात है अभी बिला वजह मुझे शुरू हुई है और मां तुम्हें पता है कि तुमने एक चीज जो की ना कि तुमने आके बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आपके ऊपर इल्जाम उठाया जाए या आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन हो तो आप फौरन आके उसको अपनी पेशी भी करें अपनी सफाई कर पेश ये आई कांट डू दैट इट्स नॉट माय थिंग जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मुझे अपनी कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि जो लोग मुझे जानते हैं दे अंडरस्टैंड देयर वेयर कुड दिस बी कमिंग फ्रॉम और दे विल एटलीस्ट मेक द एफर्ट टू गो एंड वॉच फॉर इट इज Yeah. So please, guys, make an effort and watch what it is actually. And instead of assuming that what they're saying is right. Iman, एक और चीज़ अब तुम्हारे बोलने का अंदाज़ जो है तुम अगर तुम थक जाती हो मैंने भी देखा है कि जब तुम थक होती हो तो तुम्हारे बोलने का अंदाज़ जरा सा स्लो होता है तुम जरा राम राम से बोलती हो लोग और वो कहते हैं कि तुम या हाय हो या उड़ी हुई हो या क्या है या ड्रंक है हाँ ड्रंक ड्रग पता नहीं क्यों और लोगों को हालांकि आप शुरू में जिस तरह मैंने उस इंटरव्यू में तो शुरू में ही कहा था कि मुझे रिलैप्स हुआ है एंड आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम अ रिलैप्स एंड सो ऑफ कोर्स उससे तो बहुत ही थकी हुई थी यस एमएस का हाँ एमएस का जो मुझे रिलैप्स होता रहता है तो वो मैं उस वक्त हुआ हुआ था और 3 बार मैं डिले कर चुकी थी और बहुत मुश्किल से वो सेट पे आई थी उस दिन वो कराने के लिए क्योंकि यू नो आई डू एनीथिंग फॉर फ्रेंड्स दैट्स माय थिंग So I just made an effort कि नहीं नहीं अब करना है इस वक्त 3 बार जो भी है डिले कर चुकी है कैंसिल कर चुकी है शो को सो आई हैव टू सो इट्स जस्ट रियली आई थिंक इट्स अनफेयर एंड इनसेंसिटिव कि आप मतलब खास तौर पर ये सोचे चले ठीक है आपको अच्छा लगता है कुछ लोग जो बुरे वाले होते हैं you know what I'm saying कि उनको अच्छा लगता है कि कुछ लोग मतलब ऐसे अपने हाँ
हाँ, लेकिन कम से कम आप इतना ख्याल रखें कि अगला कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारी से गुजर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से मतलब उसको साइड पे करके बहुत बहुत हिम्मत पैदा करके सामने तक आते हैं, जो इवन बैठ के जो एक इंसान के लिए मेरे लिए कई दफा सुबह उठ के टेक्स मी अबाउट 2 आवर्स टू गेट आउट ऑफ बेड शेरू. कैन यू इमेजिन? दैट्स व्हाट एमएस डज, कि मैं सुबह उठ के टेक्स मी 2 आवर्स कि मैं इवन उठ के पानी पी सकूं. कई दफा मेरे हाथ काम नहीं कर रहे होते, माई बॉडी इज जस्ट यू नो एक बिल्कुल मरियल एक चीज पड़ी हुई होती है. आई कांट मूव, सो आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ दैट यस माई हैंड कैन मूव यू नो इनफ टू एटलीस्ट रीच आउट फॉर अ ग्लास एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. सो उस सब से निकल के जब मैं बहुत हिम्मत करके जब मैं काम करती हूँ, मैं आती हूँ और फिर उसके बाद इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो इंसान इसीलिए मैं काम कम भी कर दिया था बिकॉज मैंने सोचा यार कोई भी किसी भी वक्त पे किसी भी हद सूझ भूल जाते हैं, कोई किस चीज से गुजरे कोई भी बात कर देते हैं. उनको ऐसे क्यों लगता है कि उनके पास ये हक है? ठीक है, आपके पास ये हक है कि आप काम को पसंद या ना पसंद करें, बट आपको ये हक नहीं है कि आप किसी की दिल आजारी करें, आप किसी को तकलीफ दे. क्योंकि और दूसरी बात ये जरूर मैं किसी को मतलब वो नहीं दे रही, धमकी नहीं दे रही, बट पता है बीमार जो है ना हाई से बचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हाई बद्दुआ एक और चीज है बट हाई लग जाती है, हाई निकल जाती है दिल से और बीमार की ज्यादा लग जाती है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. अपनी वेलबींग के लिए भी आप ये ख्याल रखें कि स्पेशली अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन सिचुएशन, उसकी कहीं आपको हाई ना लग जाए, उसका जरा ख्याल रख लें प्लीज, अपनी बेहतरी के लिए भी. दिल टूटता है तुम्हारा जब ऐसे होता है? दिल मैं सब कुछ टूट जाता है, मेरे बाल तक टूट के गिर जाता है यार, मतलब इस हद तक इट टेक्स ओवर, इट मेरी सारी पूरी बीइंग की एनर्जी निकल जाती है कि यार सीरियसली अभी जो अब इतनी मुश्किल से इतनी हिम्मत करके मैं एक इंटरव्यू देने गई हूँ, उसके अंदर से क्या निकाला है, किस किस ने, और उनमें दुख ज्यादा उन लोगों पे है जो जानते हैं मेरी जर्नी, वो आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैंने बात भी की है कि उन खातून को इस तरह से करते हुए आप मतलब उस औरत को व्हाई शी डिड दैट आई डोंट नो, कि शी कुड हैव जस्ट कॉल्ड मी, दैट वाज सो मतलब हाँ दिल क्या टूटता है, वही ना एक अंदर से कुछ हाई सी निकल जाती है कि व्हाट द हेल मैन, हाउ आई मीन हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस एंड इनसेंसिटिव. It's very heartless and insensitive. और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि But I have my friends. You have your friends who love you always. And मैं जान मुझे पता था जब मैंने इस चीज़ पढ़ी थी कि ये out of शायद context हो, मगर ईमान को एक मौका मिलना चाहिए कि वो at least अपना explain करे, explain ना करे, at least हमें बताए या मुझे बताए कि and I'm glad. क्या सुन बात क्या है? हाँ. टिच बटन, 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 टिच बटन. क्या सीन है, क्या फिल्म है, क्या क्या डांस, क्या गाना, क्या कपड़े, बिकॉज वी नीड अ डिस्ट्रैक्शन. अभी हमें एक ऐसी फिल्म चाहिए जहां हम भागे और इस सॉरी सिचुएशन जो हमारे पास हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा काम करके एक दुनिया में जाके घूम सकें. टिच बटन में घूम सकेंगे. और उसमें दो दुनियाएं हैं, एक टर्की की और एक यहाँ की, एक बिल्कुल टोटल ननकाना सा आपका एक पेंडू पिंड है एंड